बक्सर में एक बड़ा हादसा होते होते टला है। आपको बता दें कि बक्सर जिला का जो पावर हाउस है, बक्सर नगर का जो पावर हाउस है, जहां से पूरे जगह सप्लाई दिए जाते हैं, चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, तमाम जगहों पे सप्लाई दिए जाते हैं, उस पावर हाउस के ठीक पीछे आज आग लग गई। और आग की लपटें इतनी ज़्यादा थी कि काफ़ी दूर दूर से दिखाई दे रही थी। हालांकि आग बुझाने की कोशिश की गई, और जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि पावर हाउस के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उससे जो तेल सिरता है, वो तेल पीछे खेतों में पसरा है, इसी वजह से हो सकता है कि पटाखे की वजह से या कहीं से शॉर्ट सर्किट हुआ हो, तो जो चिंगारी लगी वो चिंगारी तेज़ी से आग का रूप ले लिया। इतने बड़े हादसा होने के बावजूद भी केवल मात्र 2 दमकल की गाड़ी वहाँ पर मौजूद रही। जो आग की लपट थी वो पावर हाउस के अंदर नहीं आ पाई, क्योंकि अंदर हजारों की मात्रा में ट्रांसफार्मर रखे हुए थे, पूरा वहां सप्लाई सिस्टम है, बहुत नुकसान हो सकता था, लेकिन गनीमत है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसको लेकर के बिजली विभाग के SDO का कहना है कि हम लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं और ईश्वर की कृपा है कि हम लोग उससे बच गए हैं, पावर हाउस का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जी जी, पावर हाउस के कैंपस के बाहर आग लगी हुई है, वो आग धीरे धीरे जो है कि पावर हाउस की तरफ बढ़ रही थी। हम टाउन में थे, हमको सूचना मिला, मैंने फायर ऑफिसर से बात किया, उन्होंने तत्काल जो है इस पर एक्शन लेते हुए तत्क्षण जो है कि 2 फायर ब्रिगेड का गाड़ी जो है भेज दिए चुके हैं। अभी जो है कि अभी कंट्रोल में हो चुका है आग, अभी को हमारा कोई क्षति नहीं हुआ है। क्या कारण पता चल पाया सर? ये कैंपस के बाहर था, उधर घास वगैरह उगी हुई है और शायद फायर क्रैक के कारण आग लगने की संभावना है। तो सर बताया जा रहा है कि इधर जो तेल जो है उसका भी रिसाव होता है, इसकी वजह से ज़्यादा तेल के रिसाव से आग नहीं लगेगा। आग जब भी लगेगा तो कुछ उस पर चिंगारी होनी चाहिए, और वो जो है कि आप फायर क्रैक्स होगा या जो अभी डालियाँ बनाकर आग लोग लगा कर छोड़ देते हैं आकाश में जाता है, वो कहीं गिर गया, वो सूखी हुई घास है उसमें भी आग पकड़ती है, तो धीरे धीरे वो एक बृहद रूप पकड़ लिया। फायर ऑफिसर से बात हुआ है, 2 गाड़ी दी हैं, 2 गाड़ी डुमराव से भी भेजने की बात हुई है उनसे। वो अभी लगभग जो रूप था 8 बजे का अप्रोक्स में, उसका रूप एकदम लघु हो चुका है। अब आके वो आग जो है ना लगभग कंट्रोल में हो चुका है, नियंत्रण में। थोड़ी सी भी विलम्ब होती ना तो हम लोग जो है कि पूरा पावर सिस्टम ही हमारा ठप पड़ जाता। जो हम लोग छोटा छोटा ट्रांसफार्मर 100 KV 200 KV 63 KV का ट्रांसफार्मर हम लोग जो दे पाते हैं, उस वर्क में जरूर इसका प्रभाव पड़ता, कुछ दिनों का डिले जरूर हो जाती। काफ़ी भयंकर आग थी सर। काफ़ी भयंकर आग थी, इसमें फायर ऑफिसर का जो है कि बहुत बड़ा योगदान रहा, उन्होंने क्विक एक्शन लिया। सर नुकसान का आकलन कुछ हुआ है? नुकसान हुआ ही नहीं है, भगवान का शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से आग लगी थी, लोगों के अंदर खौफ था, ज़्यादातर लोग वैसे लोग परेशान थे जिनका पीछे घर था, वो घरों पर भी बाल्टी और पानी लेकर के तैनात थे कि अगर आपकी आग की लपटें कॉलोनी तरफ जाएगी तो वो भी कोशिश करेंगे बुझाने की। लेकिन आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े ज़िला में जहाँ आग लगती है, इतने बड़े नगर में आग लगती है, तो वहाँ मात्र 2 दमकल की गाड़ी पहुँचती है और घंटों बाद मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पा लिया गया है और एक बड़ा हादसा टल चुका है। मैं बक्सर से विमल कुमार।